रांची के आईएमए भवन में राज्य भर के आईएमए सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चिकित्सकों ने कई विषयों पर चर्चा की। मुख्य रूप से राज्य में लागू क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट पर नाराजगी जताई गई। आईएमए ने कहा है कि इस एक्ट के कारण छोटे क्लिनिक और अस्पताल को मजबूर अपनी संस्थानों को बंद करना पड़ेगा। इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ेगा क्योंकि लोगों को मजबूरन कॉर्पोरेट अस्पताल का रुख करना पड़ेगा। काफी महंगा होता है ये। हरियाणा की तर्ज पर इसके राज्य में लागू किया जाना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो झारखंड प्रदेश में जो लागू किया गया है, ये दिल्ली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के द्वारा, दिल्ली केंद्र सरकार के द्वारा पारित की गई थी और उसमें ये निर्देश के साथ पारित किए गए थे कि राज्य सरकार जो है अपने आर्थिक स्थिति, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए अपने स्टेट में इनको इम्प्लीमेंट कराना, मॉड्यूल को यहाँ पर लागू किया जाए जिसमें 50 बेड तक और सिंगल क्लिनिकल क्लिनिक और डबल कपल क्लिनिक को जो है इस एक्ट से बाहर रखा जाए। दूसरा जो मुद्दा था वो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है जो बहुत दिनों से जो है लटका आ रहा है। आपको मालूम है कि 23 राज्यों में ये मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू है, फिर भी जो है हमारे राज्य में हमारे समझ से परे है कि क्यों लागू नहीं हो रहा। सर, पहले 4 साल से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि सरकार बिहार और सेंट्रल के तर्ज पर डायनेमिक एसीपी का प्रावधान करे जिसमें कि 4, 9, 13, 20 का प्रावधान है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। निश्चित रूप से इसमें हम लोग अब सरकार को अल्टीमेटम देने जा रहे हैं कि सरकार इस बात को माने, नहीं तो हो सकता है कि हम लोग को आंदोलनात्मक कार्रवाई करना पड़े। छोटे उद्यमियों के का जो स्टार्टअप्स है उसके लिए विशेष लोन देकर के प्रोत्साहित करती है। इसी तरह हमारे जो युवा प्रशिक्षित डॉक्टर्स आते हैं राज्य में बाहर से काम सीख के, उनके स्टार्टअप के लिए भी सरकार को लोन की व्यवस्था करनी चाहिए। सबको प्रोत्साहन देने के बजाय सरकार उन्हें क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के दायरे में बांधकर सीमित कर दे रही है और उन्हें कॉरपोरेट अस्पतालों में काम करने के लिए मजबूर कर रही है। ऐसी स्थिति में वह अपना स्टार्टअप नहीं कर पाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।